हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सूरज गुप्ता इनसाइड चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त सूरज। एंड आई होप आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, और इस कोविड-19 के जो सिचुएशन चल रहा है इससे आप बचे होंगे। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चीज़ देखी है कि ये कोविड-19 के जो टेस्ट हो रहे थे, कहीं किसी जगह पर वो ठीक थे, किसी जगह पर वो गलत साबित हो रहे थे। हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हमारे यूट्यूब ब्लॉगर्स मेरे दोस्त हैं, वो लोग भी इन सब चीज़ों में फंसे हैं कि वो घर में तो एकदम ठीक हैं, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने चेक कराया तो उसके बाद फिर से वो अपना नेगेटिव हुए हैं। इसलिए उन सभी का ट्रिप 3 से 4 बार मैंने कैंसिल होते हुए देखा है। लेकिन इस बार जब हमारी बारी आई है तो बाबा की कृपा से यूके गवर्नमेंट ने, यूके मीन्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोविड टेस्ट को मैंडेटरी नहीं रखा है। 2 दिन पहले तक था, लेकिन अब बिल्कुल भी कोई कोविड टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। अब आप सीधा उत्तराखंड के अंदर आ सकते हैं और उत्तराखंड से बाहर के किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी तरह की कोविड टेस्ट रिपोर्ट, रैपिड टेस्ट या आपके NTPC जो दूसरी रिपोर्ट्स होती हैं उनके अंदर आपको दिखाने की जरूरत नहीं। सो गाइस, जैसे ही हमें ये रूल्स का पता चला तो हमने बिना देर किए हुए अपने बैग पैक किए और चल दिए केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। सो गाइस, ये जो मैंने राइड प्लान करी है ये हमारी 4 डेज की राइड रहेगी, जिसके अंदर हमें पर डे 400 किलोमीटर्स का, हमारा 460 किलोमीटर्स का डेली टू केदारनाथ का राइड। और ये हमारी जर्नी है, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो से भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि मुझे छोड़ के बाकी जितने भी 9 लोग मेरे साथ जा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सबको भोले बाबा ने पहली बार अपने दर्शन के लिए बुलाया है। सो चलिए मेरे साथ इस सफरनामे का मैं शुरुआत करता हूँ। जय भोलेनाथ। सो गाइस, सबसे पहला जो काम है वो है मेरा, मुझे बाइक ठीक करानी है और उसमें मुझे कुछ लाइटिंग वगैरह का काम कराना है, और कुछ वायरिंग मुझे जो लूज दिख रही है उसको मुझे टाइट करवाना है। तो इस टाइम पे करोलबाग जाना थोड़ा सा टफ मैटर है, और थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन वगैरह लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम करोलबाग जा रहे हैं आफ्टर 5 to 7 months। सो गाइस, चलिए जल्दी से निकलते हैं करोलबाग के लिए। और जो भी मेरा थोड़ा बहुत काम है, जैसे लाइटिंग वगैरह काम मैंने बताया था आपको और वायरिंग वगैरह काम है, सिर्फ 2 काम जल्दी से निपटा के आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना गलत होगा। और उसके बाद फिर अपना अगला एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि मैंने बाइक में क्या क्या काम और भी करवाने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं करोलबाग, और ये लॉकडाउन के बाद पहली हमारी राइड है जो हम करोलबाग में आए हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी ब्लॉग में बताया था कि अभी हम केदारनाथ की राइड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए बाइक में कुछ कुछ काम कराना था और वहाँ पर टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। तो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या चीज़ लगाने वाला हूँ। इसमें हम लोग थोड़ा सा काम करा रहे हैं इंडिकेटर्स का। लॉकडाउन में काफ़ी दिन घर पे खड़ी रही है। सो गाइस, अभी हम घर पहुंच गए हैं, और जो थोड़ा बहुत ज़रूरी वाला काम था वो मैंने करवा लिया है बाइक में। बहुत भीड़ थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, लाइट्स, इंडिकेटर्स और थोड़ा वायरिंग का काम था, तो वो मैंने करवा लिया है। बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे, 1 हफ्ते का टाइम है हमारे पास अभी। चलिए मैं वो जल्दी से दिखाता हूँ कि अभी बाइक में क्या क्या लगवाया है, और मे बी नेक्स्ट वीक मैं वो काम कराऊँ। मैंने जो भी काम कराया है, ये मैंने अभी इंडिकेटर चेंज कराए हैं, ये वाला टूट गया था मेरी लास्ट लद्दाख राइड पे। सो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इसको कराऊँ, लॉकडाउन के बाद पूरी मार्केट बंद थी, गंदी है अभी, लेकिन साफ़ कराएंगे इसको भी। ये बेसिकली ज़्यादा मेजर काम था, क्योंकि लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी, कुछ लोगों को बोला है ज़रा करोलबाग का सीन बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़, और इस टाइम पे भीड़ में जाना काफ़ी टफ है। सो गाइस, न्यू लाइट तो लग चुकी है, लेकिन ये ऑन होने के बाद लगती कैसे है, तो ये अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने अगले एपिसोड के अंदर। थोड़ा सा वॉश वगैरह बाइक को करा लूँ ताकि दिखाने में अच्छा भी लगे। सो फिलहाल के लिए मैं आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।